जी ऑफ लिक्विड है कंस्टेंट ए स्पेसिफिक इंसुलेटेड चैम्बर कॉजिंग द टेम्परेचर टू राइज बाय फिफ्टी डिग्री सेल्सियस फाइन चेंज इंटरनल एनर्जी चेंज इन एनर्जी एंड वर्क फॉर द प्रोसेस कह रहा है देखो कि क्या है एक आपका सिस्टम है और इसमें जो होता है लिक्विड है ठीक है लिक्विड है जिसका मास जो होता है आपका 1.5 पॉइंट इसका मास है ठीक है 1.5 मास है और इसका जो स्पेसिफिक हीट है वह कितना आपका 2.5 पे किलो ज़ूल पर के जी है ठीक है और यह वेल इंसुलेटेड है वेल इंसुलेटेड मतलब क्या होता है कि जो होता है आपका जो सिस्टम से देखो सिस्टम हो गया ना सिस्टम से आपका सुरैंडिंग में हीट ट्रांसफर जाएगा ना ही जो था सुरैंडिंग से सिस्टम में हीट ट्रांसफर जाएगा कहीं हीट ट्रांसफर नहीं करेगा आपका जो हीट ट्रांसफर सिस्टम से सुरेंडिंग में सुरेंडिंग से सिस्टम में हीट्रांसफर जो था नहीं होगा ठीक है उसका मतलब वेल ट्रांसफर होता है आपका क्या होता है वेल इंसुलेटेड होता है क्या हो रहा है कि कॉजिंग द टेम्परेचर टू राइज बाई फिफ्टीन डिग्री सेल्सियस और इसमें क्या किया जा रहा है कि एक स्टेरर के हेल्प से जो सिस्टम में यह आपका एस्टेर है ठीक है एस्टेर और इस एस्टेर की हेल्प से जो था क्या किया जा रहा है कि जो इसमें वॉक ट्रांसफर जब इरोट होगा देन क्या करेगा वाटर की टेम्परेचर को इंक्रीज क्योंकि जो हीट जो था बाहर तो निकलेगा नहीं देन क्या होगा सिस्टम की इंटरनल एनर्जी ही इंक्रीज होगा ठीक है तो सबसे पहले क्या होता है अकॉर्डिंग टू जो है देखो क्यू सबसे पहले क्यू निकलो कि हीट हीट जो है एडेड टू हीट एडेड टू सिस्टम क्यू इज एम सी इंटू T ठीक है तो जो था एम कितना आपका वन पॉइंट फाइव के जी है और सी कितना टू पॉइंट फाइव के जी है टेम्परेचर कितना, the कितना आपका फिफ्टीन डिग्री सेल्सियस देन द वैल्यू विल कम कितना आपका आया फिफ्टी सिक्स पॉइंट टू फाइव किलो जूल इतना आपका क्या हुआ देखो, मान लो कि वेल well और ना ही कर लो कि आपका जोता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ आपका Q इक्वल टू क्या हो गया डब्लू प्लस डेल ई हो गया सपोज समझ लो कि अगर यह Q जोता है Q इक्वल टू आपका डेल E हो गया प्लस जो था डब्ल्यू स्कल टू पी डी बी हो गया पी इन टू डी बी हो गया मीन्स अगर मान लो इसकी वॉल्यूम कंस्टेंट होती है इसकी वॉल्यूम को इंक्रीज एक्सपांड नहीं हो रहा है नहीं दिया है मतलब इसमें नहीं दिया तो मान लो कि इसका आपका जीरो हो गया ठीक है आपका जीरो हो गया आपका जीरो हुआ देन आप क्या करोगे कि जो जितना आप सिस्टम को एज ए इसमें कहा गया वर्क दिया वर्क कहा इसकी टेम्परेचर बढ़ा टेम्परेचर बढ़ने से इसकी हीट इसमें दे रहे वर्क वर्क आपका हीट में कन्वर्ट हो रहा है देन जोता है आपका हीट जोता सिस्टम से बाहर रिलीज ही नहीं हो रहा देन क्या होगा ओवरऑल जोता है आपका इंटरनल एनर्जी सिस्टम क्या होगा इंक्रीज करेगा ठीक है तो उसी तरह आपका जोता है या डेल इसको ले लो मान लो कि ये आपका डेल ई है डेल कल टू जोता है फिफ्टी सिक्स पॉइंट टू फाइव किलोजूल क्योंकि यह जो क्या हो रहा है इंटरनल एनर्जी क्या हो रहा है, देखो, वेल ना से ना है से तो हीट किसी प्रकार का नहीं हुआ देन जोता है अब किसी सुरेंडिंग से या सिस्टम में हीट इंट्रक्शन नहीं हुआ मतलब एज अगर आप एज इट इज इंसुलेटेड अगर इसे इंसुलेटेड मानते हो तो देन आपका डी क्यू इक्वल टू जीरो हो गया ठीक है डी क्यू इक्वल टू आपका जीरो हो गया देन आप फॉर्मूला लगाओगे जो है है W plus del E, ठीक तो ये आपका इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा क्योंकि हीट दे तो आपका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करे क्योंकि आपका जो इससे इस सिस्टम से हीट रिलीज ही नहीं हो रहा है ना इसमें हीट एड ही नहीं हो रहा है जो आप वर्क ट्रांसफर कर रहे हो टोटल के टोटल इसे W को हटा भी सकते हो क्यू इसको क्यू रख लो क्यू इक्वल टू जो है आपका से क्यू का डब्ल्यू देन आप वर्क इसे ट्रांसफर कर रहे से तो आप इसकी क्या हो रहा है इंटरनल एनर्जी इंक्रीज किया जो कि फिफ्टी सिक्स पॉइंट टू फाइव के लिए इसकी इंटरनल इंक्रीज हुआ उसके बाद देखो तो डी क्यू अगर आप इसे इंसुलेटेड माने हैं तो ना सिस्टम से सरेंडिंग में जा रहा है और ना ही जो था सरेंडिंग से सिस्टम में हीट ट्रांसफर हुआ देन डी क्यू इक्वल टू जीरो हो गया एंड डब्ल्यू प्लस डेली डेली कितना इंक्रीज किया फिफ्टी सिक्स पॉइंट टू फाइव मीन्स करने का मतलब आपका w -56.25 मतलब जो होता है कि इस पे वर्क जो होता है सिस्टम पे हुआ है सिस्टम पे क्या हुआ वर्क आपके स्टेर से किया है कितना किया है 56.25 क्योंकि से ने हिट रिलीज जो है ना बार कि जितना आपने वर्क दिया उतना जो था सिस्टम की इंटरनल एनर्जी का हुआ इंक्रीज हो गया ठीक है जब आप उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुआ कितना इंक्रीज हुआ आपको जो था 56.25 तो वो टोटल इंक्रीज आपका इंक्रीज हुआ जो कि वह कहां से आया था आपने जो एस्टेर से वर्क ट्रांसफर किया किए थे वह तो वर्क डाउन ऑन द सिस्टम ने करा तो वर्क डाउन दि हुआ सिस्टम हुआ और टोटली totally जो आपका इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में यूज हुआ थैंक यू अगर प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छे लगे देन लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर थैंक यू okay,